चुनावी मौसम में फिर भारत भूटान सीमावर्ती क्षेत्र से 8,96,850 रुपए बरामद हुआ है। यह बरामदगी जयगांव पुलिस और एफएसटी स्क्वाड टीम ने मिलकर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी चुनाव को देखते हुए अलीपुरद्वार जिले के सभी सीमावर्ती इलाके में प्रशासन की निगरानी का पुख्ता इंतजाम किया गया है। क्षेत्र के हर गतिविधियों पर पुलिस प्रशासन की नजर सक्रिय बनी हुई है। इसी बीच चुनावी मौसम में शुक्रवार फिर जयगांव थाना की पुलिस ने जयगांव के जीएसटी मोड से 8,96,850 रुपए के भारतीय नोट बरामद कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। गौरतलब है कि चुनाव को लेकर चुनावी आचार संहिता लागू है। इस समय में कोई भी व्यक्ति बिना कागजात के एक बार में 50,000 से अधिक रुपए कहीं भी लेकर नहीं जा सकता है। इसको लेकर गुप्त सूचना के आधार पर जयगांव थाना की पुलिस और एफएसटी टीम ने शहर के जीएसटी मोड़ इलाके पर नाका चेकिंग की और एक वाहन को पकड़ा, जिस पर एक साथ इतनी नकदी रुपए की बरामदगी की है। इसकी जानकारी देते हुए जयगांव के थाना प्रभारी अभिषेक भट्टाचार्य ने बताया कि नाका चेकिंग के दौरान जयगांव के झरना बस्ती निवासी फारूक मियां के पास से सभी रुपए जब्त किया गया। उन्होंने कहा रुपए के साथ उसके किसी प्रकार के वैध कागजात नहीं मिले हैं। रुपए को अलीपुरद्वार ट्रस्टी कार्यालय में जमा कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।